नमस्कार, आप देख रहे हैं मैनेज न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ रोशनी। आइए देखते हैं। ग्राहक ने 5 रुपए कम दिए तो दुकानदार ने चाकू से मार डाला। शहर में लगातार बढ़ रहे अपराध चिंता से विषय बने हुए हैं। यह पर अब शहर वासियों को यह डर लग सताता है कि घर से बाहर निकलते के बाद किस समय क्या हो जाए उनको पता नहीं रहता है। इसका कोई भरोसा नहीं रहा है कि ऐसी ही एक ताज मामला शुक्रवार की रात शहर कोतवाली थाना क्षेत्र स्टेशन चौराहा पर सामने आया है, जहां पर महज 5 रुपए को लेकर एक दुकानदार ने संचालन के एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां उसका इलाज चल रहा है। मामले की जानकारी देते हुए घायल युवक ने बताया कि उसका नाम सुरेश है और जो शहर से पथरिया फटक का रहने वाला है तथा रिक्शा चालक है। वह शहर के स्टेशन चौराहा पर आलू चाट खाने के लिए गया था, जहां उसे आलू चाप खाई और उसके दुकान पर संचालक ने 25 रुपए मांगे और मगर घायल के पास संचालक को 25 रुपए देने के लिए 5 रुपए कम थे और जिस कारण दुकानदार ने संचालक को घायल के बीच चाकू गोद दिया और बात बताई बढ़ गई थी। दुकानदार संचालक से युवक पर चाकू से हमला कर दिया। वही घटना के बाद घायल युवक ने स्थानीय लोगों से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। कॉलेज की सेक्रेटरी को ही दिल दे बैठे थे श्रेयस। बात साल 2000 की है, जब श्रेयस को कॉलेज के एक फेस्टिवल के लिए बुलाया गया था। कॉलेज के उसी फेस्टिवल में दीप्ति सेक्रेटरी थी और श्रेयस ने दीप्ति को देखा और दोनों को पहली नज़र का ही प्यार हो गया। आंखों चार होने के बाद 4 दिन बाद ही श्रेयस ने दीप्ति को प्रपोज कर दिया और दोनों ने काफ़ी समय तक एक दूसरे को वेट किया और फिर साल 2004 में शादी के बंधन में बंध गए। श्रेयस ने फिल्म इकबाल से अपने करियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म के निर्देशक नागेश कुकुरनूर से निर्देशक किया गया था और शूटिंग शुरू होने के 3 दिन बाद ही श्रेयस ने अपनी शादी के लिए छुट्टी मांगी थी। इस फिल्म के निर्देशक नागेश ने उसे कहा कि शादी कैंसिल कर दे। हालांकि अब तक कार्ड बन चुके थे। ऐसे में निर्देशक नागेश ने सोचा था कि अपनी यह डेब्यू कर रहा है और ऐसे में दुनिया के सामने यह आना की वजह शादीशुदा है तो सामने आना नहीं चाहिए, ये सही नहीं है। श्रेयस ने डायरेक्टर को यकीन दिलाया कि वे शादी की बात बाहर आने नहीं देंगे जब तक जाकर 1 दिन की छुट्टी मिली और शादी के 14 साल बाद मई 2018 में श्रेयस ने दीप्ति सरोगेसी के मदद से माँ बाप भी बने। अंडर आई फिलर कराने के बाद भी उर्फी के आंखों का हुआ बुरा हाल। आज 2022 का आखिरी दिन है और लेकिन उर्फी के परेशानियां कम नहीं हो रही है। उर्फी ने अपनी आंखों की समस्या के बारे में बातों बताया और अंडर आई क्रीम बनाने के लिए वाली कंपनी से भी निराशा जताई है और फिल्म के अपने लिए तस्वीर शेयर की है, जिसमें उनकी आंख के नीचे काले घेरे साफ दिखाई दे रहे हैं। उर्फी ने इसके साथ लिखा कि तो कल मैंने एक मेकअप से छुपा लिया था, मुझे अपने आप पर गर्व है, नहीं मुझे उस किसी ने मारा नहीं है। मैंने आई फिलर कराया था जिसकी वजह से छोटी जलन हो गई थी और जिसके बाद उर्फी ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वह अंडर आई स्क्रीन बनाते हुए नजर आ रही थी और वीडियो में उर्फी कहती है कि मैंने अंडर आई फिलर कराया है, मुझे बहुत ज़्यादा काले घेरे हो रहे थे और अंडर आई स्क्रीन क्रैम्स के वजह से मुझे ये हुआ है। कोई भी ऐसे अंडर आई क्रीम नहीं जो उसको डार्क सर्कल को हटा दे और लाइट कर दे, यह बस क्रेम स्कैम है और इसके लिए फिलर्स कराने के लिए बेहतर ऑप्शन है। बता दें कि हाल ही में उर्फी जावेद ने तुलना बीजेपी कार्यकर्ता दिनेश देसारी के साथ राहुल गांधी किए थे और उन्होंने कहा था कि अगर सिर्फ टी शर्ट पहनकर राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बने तो उर्फी जावेद अमेरिका की राष्ट्रपति होनी चाहिए। इस पर उर्फी ने कहा था कि ये है आपको राजनेता और कुछ बेहतर करो, अपना पॉइंट साबित करने के लिए एक महिला को इंसल्ट करना आपके लिए अच्छी बात नहीं, हम ऐसे लोगों को महिलाओं की सुरक्षा की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा लिंक ट्विटर हाइकू फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों को ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।